हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर स्टडी पर। दोस्तों आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ये क्लास 10 के रसायन का पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। यानी कि आज दोस्तों पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। ये टॉपिक है दोस्तों हमारा दहन और ज्वाला। तो आज हम इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों और पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों आप इसको समझने के पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारा दहन और ज्वाला। आपने पढ़ा भी होगा एट क्लास में दहन के बारे में। चलिए इसमें भी है तो इसमें पढ़ते हैं। इंग्लिश होता है कंबसन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। सबसे पहले हम जानेंगे दहन किसे कहते हैं। दहन दोस्तों मैंने लिख रखा है, आप इसको पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट से मैंने अच्छे बना के लिखा है। दहन कोई पदार्थ ऑक्सीजन के सापेक्ष जलकर उष्मा और प्रकाश देता है, इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कोई पदार्थ है, जब वो ऑक्सीजन के सापेक्ष जलेगा तो वो क्या करेगा, जो मैटर उत्पाद बनेगा और उष्मा देगा और प्रकाश देगा। जैसे कार्बन दोस्तों मैंने लिख रखा है, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जैसा इसका कहने का मतलब है कार्बन है, अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में उष्मा और प्रकाश दोनों देगा। मैंने समीकरण लिख दिया, आप देख सकते हैं इसे। चलिए और एक सल्फर है, सल्फर को गंधक बोलते हैं। अगर गंधक को भी आप ऑक्सीजन के सापेक्ष जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और उसके बाद उष्मा देता है और प्रकाश देता है। तो समझ में आया दोस्तों, तो दहन यही है। अब देखिए दहन के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, लिख रखा है दहन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दहनशील या ज्वलनशील, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है अदहनशील या अज्वलनशील। दोस्तों दहनशील क्या होता है? दहनशील दोस्तों वह जो पदार्थ जल सके, जैसे कि मैं बात करूँ, मैं क्या जल जाऊँगा, यहाँ मतलब कि बांस वगैरह, कुर्सी वगैरह, इतना जानो जो जल सके। आप खुद सोच सकते हैं क्या जल सकता है और क्या नहीं जल सकता है, यानी कि जो जल सकता है उसे हम दहनशील पदार्थ बोलें। जैसे अगर कोई बॉडी को आप जलाएंगे तो वो भी क्या जल जाएगा, अगर बांस लकड़ी वगैरह बत्ती वगैरह कुछ भी जलाओगे, टेबल कुर्सी वो सब जल जाएगा। तो ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। अब आता है अदहनशील पदार्थ। अदहनशील क्या है, जैसे कि ईंट पत्थर कंकर ये सब जलेगा, बालू कभी नहीं जलेगा, तो ये अदहनशील पदार्थ हो गए। अब चलते हैं दोस्तों दहन के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब कि दहन होने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होना पड़ता है, दहन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है उसको देखते हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, इसके कहने का मतलब है दहन करेंगे तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ होना चाहिए। जैसे किरोसिन तेल पेट्रोल वगैरह सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। अगर ये सब कहीं भी अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो उसे क्या आग लग सकता है वहाँ पर, जो कि काफ़ी, अगर उसको तुरंत नहीं ठीक किया जाए, उसका उपाय नहीं किया जाए तो आग पूरा फैल जाएगा। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब दहनशील पदार्थ हैं। उसकी उपस्थिति दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब दहन का पोषक क्या होता है, पोषक मत दोस्तों, जैसे मैं बात करूँ, अगर आप मोमबत्ती को जला के या मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती को जला के आप रूम में रख दो तो वो जला रहेगा। अगर मोमबत्ती को जला के आप एक कांच की बर्तन या डिब्बी में कुछ भी में उसको पैक कर दो तो कुछ समय के बाद वो बुझ जाता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि वो जलने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए दोस्तों हम हवा को पोषक का पदार्थ कहते हैं, हवा को मतलब पोषक का पदार्थ, पोषक का मुख्य अवयव हवा को कहते हैं। तो आज समझ दोस्तों, तो तीसरा है ज्वलन ताप में दोस्तों क्या हो गया, ज्वलन ताप में से ये हो गया कि कोई पदार्थ निम्न टेम्परेचर पर, मतलब कोई जैसे कागज़ ले लो दोस्तों, अगर कागज़ को आप जलाओगे तो वो निम्न टेम्परेचर पर ही जलना प्रारंभ कर देता है, बहुत निम्न टेम्परेचर पर ही जलना प्रारंभ कर देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप। यानी कि जो निम्न टेम्परेचर पर ही जलना प्रारंभ कर दे उसे हम ज्वलन ताप बोलेंगे, आप लिख लीजिए। फिर दोस्तों अब आता है दोस्तों ज्वाला। अब दहन के बारे में पूरा पढ़ लिया दोस्तों, अब आता है दोस्तों हमारा ज्वाला आता है। ज्वाला किसे बोलेंगे, इसका भी डेफिनेशन लिखा है, जब कोई वाष्पशील ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ, मैंने द्रव पदार्थ नहीं लिखा है तो लिख लीजिए आप, जब कोई वाष्पशील ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ जले तो उसके जलने से जो लौ उत्पन्न होता है उसे ज्वाला कहते हैं। दोस्तों ये लौ क्या होता है आपको पता है, जैसे मैं बात करूँ एक मोमबत्ती के बारे में, ये क्या है दोस्तों, मोमबत्ती है,
मोमबत्ती दोस्तों ऐसे ही जलती है, तो ये जो जल रही है इसी को बोलते हैं लौ, इसी को क्या बोलते हैं, लौ बोलते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक तरह से मोमबत्ती क्या एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठोस वाष्पशील ठोस पदार्थ है। मोमबत्ती कैसे जलता है दोस्तों, लौ कैसे उत्पन्न होता है, मोमबत्ती क्या है एक वाष्पशील पदार्थ है, इसका वाष्प हवा में जैसे जाता है तो आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मोमबत्ती ज्वलनशील पदार्थ है। और ये ऊष्मा भी देती है, प्रकाश भी देती है और ताप भी देती है। अब दोस्तों ज्वाला समझ गए दोस्तों, अब ज्वाला दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला, इसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, दूसरा होता है प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला ल्यूमिनस फ्लेम। अब दोस्तों प्रकाशहीन क्या होता है, प्रकाशहीन आपको ये देख कर ही लग रहा होगा, प्रकाशहीन मतलब उसमें प्रकाश नहीं, प्रकाशहीन मतलब उसमें प्रकाश नहीं, लाइट का कोई गारंटी नहीं, लाइट उसमें होगा नहीं, कुछ होगा, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं होगा, कुछ होगा कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं होगा, प्रकाशहीन, प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, क्या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में इसे जलाया जा सकता है। आप बोलेंगे कि प्रकाशहीन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है, तो हमें उष्मा तो अधिक मिलती है, उष्मा हमें क्या दोस्तों अधिक मिलती है, ताप हमें बहुत अधिक मिलेगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर हमें ताप बहुत मिलेगा लेकिन प्रकाश कम मिलेगा, क्या मिलेगा प्रकाश कम मिलेगा, इसीलिए इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला बोला गया। दूसरा दोस्तों प्रकाशमान या अप्रदीप्त ज्वाला, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या, इसमें ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा था, इसमें ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा, इसको ऑक्सीजन का अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा तो आपको बहुत कम मिलेगा, ऊष्मा दोस्तों आपको बहुत कम मिलेगा लेकिन आपको रोशनी ज़्यादा मिलेगी, प्रकाश ज़्यादा मिलेगी, इसलिए दोस्तों इसको बोला गया प्रकाशमान ज्वाला। तो आज मैं दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों मोमबत्ती की, मोमबत्ती में दोस्तों तीन भाग होता है, कितना भाग होता है, तीन भाग होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे, इसको दोस्तों बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल, आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, और ये वाला जो भाई होता है इसको हम बोलेंगे प्रकाशमान मंडल, और इस ये सबसे छोटा वाला है इसको दोस्तों बोलेंगे केंद्रक, इसको क्या बोलेंगे केंद्रक मंडल। ये दोस्तों मोमबत्ती का जलने का प्रकाश है, तो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो नीला रहता है, बीच वाला भाग ये क्या होता है नीला रहता है, इसमें काला हो जाएगा, ये आपको उतना नहीं, जो ये वाला था ये नीला रहता है, ये आपको उतना प्रकाश नहीं देगा। तो समझ में आया दोस्तों, तो आपको किताब में कुछ दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, दिया है ना प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल, आप देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला का मुख्य भाग, तो ये मोमबत्ती इस प्रकार जलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने समझ लिया, अब हम चलते हैं आपको इसमें एक और टॉपिक है जो दोस्तों एलपीजी की ओर, चलते हैं एलपीजी की ओर, अब एलपीजी क्या होता है एलपीजी देखते हैं, यही बस छोटा सा टॉपिक, बस ये चैप्टर ख़त्म। एलपीजी दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सबसे पहले ये जान लीजिए, और हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हैं लिक्विड पेट्रोलिफाइड गैस, और हिंदी हो गया द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। दोस्तों जो एलपीजी होता है इसमें मुख्यतः ये तीन चीज़ों का मिश्रण है, क्या दोस्तों तीन चीज़ों का मिश्रण, पहला है दोस्तों ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, और तीसरा है दोस्तों एथेन, C4H10 C3H8 and C2H6, यही तीनों का ये मिश्रण है एलपीजी में, मुख्यतः यही तीनों रहता है ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। दोस्तों अब ये तीनों तो रहता है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रहता है ज़्यादा मात्रा में वो ब्यूटेन रहता है, ब्यूटेन दोस्तों ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए दोस्तों कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ भी देता होगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या होगा दोस्तों ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन क्यों हो गया, क्योंकि ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में एलपीजी सिलेंडर में भरा रहता है, ऐसे में दोस्तों इसीलिए ब्यूटेन इसका मुख्य घटक या अवयव जो भी कहो आपको कभी कभी पूछ दे कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है,
तो ब्यूटेन है आइसमैन दोस्तों। अब दोस्तों ये एलपीजी जो गैस होता है, अब आप बोलोगे कि ये द्रवीभूत क्यों हुआ, द्रव मतलब द्रवीभूत, इसमें क्या होता है, इसमें जो तीनों ये चीज़ भरी जाती है एलपीजी में, इसको हम इसको जो सिलेंडर जो होता है ना लाल वाला सिलेंडर, उसमें भरा जाता है, उसमें संपीड्यता, उसको क्या कहते हैं, संपीड्य दबा दबा के उसमें भरा जाता है, तो एक लिक्विड फॉर्म में एक तरह से हो जाता है। क्या होता है, लिक्विड इतना दबा जाता है कि जरा सा भी लीक होने से वो पूरा फैल जाता है, इतना उसमें दबा दबा के उस सिलेंडर में भरा जाता है ना, एक तरह से लिक्विड के फॉर्म में उसको भरा जाता है। तो क्या होता है, जरा सा भी लीक होने से वो पूरा फैल जाता है, वो बहुत एकदम टाइट रहता है, अगर जरा सा हल्का सा भी छेद उसमें मिल जाए सिलेंडर में तो पूरा लीक हो सकता है, असल में इसलिए दोस्तों हम इसको द्रवीभूत बोलते हैं। अब इसका बात होता है, ये जो होता है एलपीजी, ये स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन, रंगहीन होता है, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन। स्वादहीन, ना इसका कोई स्वाद होता है, ना रंग होता है, ना गंध होता है, मतलब कोई गंध नहीं। तो अगर इसका ये तीनों चीज़ नहीं होता है, इससे हमें क्या नुकसान होता है कि जब आपका गैस लीक होता है, सपोज दैट आपके सिलेंडर में कहीं छिद्र हो जाए या किसी तरह से पाइप वगैरह में, बर्नर वगैरह में कहीं लीक हो, तो उससे क्या होता है, जैसे लीक होगा तो आपको घर में पूरे फैल जाएगा, फैलने के बाद आपको आग लग सकता है और वहाँ पर आपको पूरा नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए अब ये गंधहीन है, गैस लीक होगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा, रंगहीन है ये भी पता नहीं चलेगा कैसा रंग है, स्वादहीन ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक मैथिल मरकप्टान दोस्तों इसमें डालते हैं, इसमें दिया हुआ है, हाँ, एथिल मरकप्टान, हाँ इसमें दोस्तों एक एक इसमें गंधयुक्त गैस डाला जाता है, गंधयुक्त बहुत ख़राब होता है ये, गंधयुक्त एथिल मरकप्टान नाम है दोस्तों इसका, एथिल मरकप्टान नाम है इसका, सूत्र होता है C2H5SH, हाँ यही होता है दोस्तों। ये जो एथिल मरकप्टान है दोस्तों, ये बहुत एकदम गंधयुक्त है, जैसे कि इसमें क्या था, ये एलपीजी क्या है, गंधहीन है, और ये जो एथिल मरकप्टान है ये बहुत गंध, मतलब गंध देता है, बहुत देता है। तो इसमें क्या होता है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं एलपीजी सिलेंडर में, क्योंकि आप समझ गएंगे खुद, जैसे गैस लीक होगा हमें तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये गंधहीन होता है एलपीजी गैस। इसीलिए दोस्तों सिलेंडर जो उसमें मिथेल सिलेंडर जिसमें गैस भरा जाता है वो लाल वाला सिलेंडर में, उसमें ये एथिल मरकप्टान का कुछ मात्रा, अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत कम अल्प मात्रा में उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है, जब भी गैस लीक होता है तो हमें इसकी गंध, क्योंकि उसमें ये डाला जाता है तो उसमें गंध इसके आता है, गंध जो आएगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ गैस भाई लीक हो रहा है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए और वहाँ हमें देखना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए दोस्तों उस सिलेंडर होता है उसमें एथिल मरकप्टान का कुछ भाग कुछ मात्रा में डाल दिया जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा दहन और ज्वाला, और ये लास्ट टॉपिक एलपीजी भी था, ये भी ख़त्म हो गया दोस्तों। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैंने पहले बताया कि एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा लिक्विड पेट्रोल प्राइम गैस, और एलपीजी में क्या क्या रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, और एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन है, क्योंकि ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है। एलपीजी में क्या क्या रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, और ये स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। और पूछेगा एलपीजी गैस जो सिलेंडर में भरा जाता है उसमें कौन से अल्प मात्रा में ऐसी गंधयुक्त गैस भर जाती है, तो आप बोलेंगे एथिल मरकप्टान C2H5S है। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छे से तरीके से समझ में भी आया होगा। आप इसको पूरी अच्छे से 2 से 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों।